हमने अपना SSC का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसका नेक्स्ट टॉपिक करना है फूड। ठीक है, पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जो अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। ठीक है, द फूड ईटन इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो भी वो लोग फूड खाते हैं, वो इस किसी भी प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, जगह पे रहते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स आपके उगाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं इन साउथ इंडिया। जैसे आप साउथ इंडिया की बात ले लो, ठीक है, साउथ वाली स्टेट्स की बात ले लो, पीपल ईट अ लॉट ऑफ राइस। वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा चावल खाते हैं। दे आर एबल टू ग्रो राइस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड सॉइल। वहाँ पे मतलब जो राइस है वही ग्रो कर सकते हैं, वही उगा सकते हैं, वही उगते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल ही ऐसी है। राइस इज़ मोर कॉमनली ईटन इन ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट। जो राइस है वो ज़्यादा कहाँ पे ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट्स में खाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। इन डेजर्ट रीजन, इन द डेजर्ट रीजन, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, ज्वार, बाजरा और मेज़ वगैरह खाते हैं आपके, ठीक है, मक्खी वगैरह खाते हैं। कोस्टल एरिया, जो समुंदर के साथ वाले एरियाज हैं, वहाँ पे कौन सा खाना खाते हैं, ज़्यादा सी फूड खाते हैं, मतलब समुद्री फूड ज़्यादा खाते हैं, एस्पेशली फिश वगैरह ज़्यादा खाते हैं विद राइस, राइस भी खाते हैं। पीपल जो नॉर्थ इंडिया के, जैसे पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के जो पीपल हैं वो जनरली क्या खाते हैं, वीट खाते हैं, कणक खाते हैं, मतलब चपाती, परांठा या फिर पल्सेस, वेजिटेबल्स होंगी, दालें होंगी, ठीक है, ये सारा खाते हैं। नेक्स्ट, पीपल यूज़ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जो लोग हैं वो मिल्क को भी, दूध भी यूज़ करते हैं, उसके बने हुए प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कर्ड, कर्ड दही, कॉटेज चीज़, जैसे पनीर हो गया, ठीक है, इन द नॉर्थन स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, नॉर्थ वाली जो भी स्टेट्स हैं आपकी, मक्की की रोटी, सरसों का साग है जो वो यहाँ पे पंजाब की पॉपुलर डिश है, सम पॉपुलर डिशेज साउथर्न स्टेट की कौन कौन सी पॉपुलर डिशेज हैं, इडली है, डोसा, सांभर, अपमा, मैसूर पाक, उपमा, ठीक है। सम मोर पॉपुलर स्वीट्स नॉर्थ इंडिया की कौन सी है, खीर है, कुल्फी है, गाजक है, गुलाब जामुन है, पैदा, ठीक है, रसगुल्ला, जैसे सोनदेश, ये सारे आप देख लेना, चमचम, जो भी है वेस्ट बंगाल की फेवरेट स्वीट्स हैं। केरला में मैं जो भी डेजर्ट वो स्वीट डिश बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ किससे बनती है, राइस और कोकोनट से मिलके बनती है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल का मीनिंग क्या होता है, आपके त्यौहार होते हैं। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हो, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे जैसे 26, मतलब आज़ादी दिवस, गणतंत्र दिवस आपका, गांधी जयंती, ठीक है, ये सारे क्या है, नेशनल फेस्टिवल, क्योंकि नेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट होली, दिवाली, दशहरा, गुरुपुरब, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ये सारे रिलीजियस हैं, मतलब धर्म से रिलेट करते हैं, धार्मिक फेस्टिवल्स हैं। कुछ फेस्टिवल जो हम किसी पार्टिकुलर सीज़न में ही मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बसंत पंचमी है, होली है, वो स्प्रिंग सीज़न में ही हम करते हैं, बसंत के सीज़न में ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ हार्वेस्ट, जैसे अब कनकों की कटाई हो रही है, तो हार्वेस्ट कटाई के समय कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, जैसे पंजाब में क्या सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी, असम में बिहू, तमिल में पोंगल, ठीक है, केरला में ओनम, ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब ये फसलों की कटाई करते हैं तब ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। देर आर मैनी अदर फेस्टिवल्स, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग जगह पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। उनमें से कुछ फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, छठ पूजा बिहार में, ठीक है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है, जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं वो स्पेशल मील्स, मतलब स्पेशल पकवान बनते हैं, स्वीट्स बनती हैं, प्रेयर की जाती है, न्यू क्लॉथ पहने जाते हैं और एक्सचेंज एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या फिर ग्रीटिंग्स देते हैं। पीपल आल्सो लर्न अबाउट ईच अदर रिलीजन्स, जो पीपल है लोग वो एक दूसरे के धर्म के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं और अपनी जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस है, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं।